हटाने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जयपुर से निकल करके सामने आ रही है, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप ये पूरा मामला है और एनएसयूआई जो है आज जयपुर में प्रदर्शन करने वाली है, नीट परीक्षा मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के लगातार रोष भी देखने को मिल रहा है। और जयपुर में जो है आज एनएसयूआई जो कार्यकर्ता वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे, नीट परीक्षा मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी अपडेट, नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के एनएसयूआई जो है आज जयपुर में प्रदर्शन करेगी और ये कहा जा रहा है कि जांच करवाने की मांग भी इस पूरे मामले में की जाएगी। और सरकार गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए की संसदीय बोर्ड की आज बैठक होनी है, सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होगी और बैठक में सरकार बनाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता जो है चुना जाएगा और सरकार बनाने का दावा जो है वो मोदी पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को यह कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए के बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, तमाम जो नेता है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और एनडीए के बड़े नेताओं के दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी। अपडेट यही है कि रविवार को जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी कि 9 जून का जो तारीख वो अभी जो है सुनिश्चित किया गया है। पहले ये कवायद चल रही थी कि 8 जून को मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रविवार यानी 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। सरकार गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने आपको बता दी कि 2 सीटें जीती है और यह बड़ी अपडेट है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले सियासी एक्शन जोरदार हो गया है। एनडीए के साथी बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन साथियों ने नई सरकार की टेबल पर अपनी डिमांड वाली लिस्ट रख दी है, जिसमें किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए तो किसी को कृषि मंत्रालय चाहिए। हालांकि एनडीए के साथियों का यह कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन की सरकार बन तो रही है, सहयोगियों का साथ बीजेपी को मिल तो गया है, लेकिन इस सरकार में डिमांडों की भरमार है। नई सरकार में हर गठबंधन का नेता अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई मंत्रिमंडल की मांग कर रहा है। कोई कृषि मंत्रालय चाहता है तो किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए। ऐसे में बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिसमें सबसे पहले वित्त मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, तो वही रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल है जो बीजेपी अपने पास रखेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन तो रही है, लेकिन इस सरकार के किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बीजेपी को खटक रही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों की नजर बड़े बड़े मंत्रालयों पर है। जेडीयू की डिमांड रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की है। टीडीपी की डिमांड लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद और सरकार को बाहर से समर्थन के साथ कुछ मंत्रालय भी शामिल हैं। वहीं जेडीएस की डिमांड कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की है। तो वहीं इस चुनाव में 100% रिजल्ट देने वाले चिराग पासवान नई सरकार में कम से कम एक मंत्रालय की उम्मीद में हैं।